अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम खैरियत से, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है दही की कढ़ी। तो हम बता रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। ये लाल मिर्चें चाहिए, अभी हम आपके सामने डालेंगे लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया, ये चीज़ें जाएंगी। योगर्ट है, अभी हम बताते हैं योगर्ट कितना लेंगे। ये लहसुन है पिसा हुआ, और ये हरी मिर्चें हैं, प्याज है कटी हुई, ये हमने एक बड़ी प्याज ले लिए, कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, और आपके पास जितना भी हो डाल दें, कम है ज़्यादा है, और दो चमचे अदरक है, ये सब चीज़ें जाएंगी, और बेसन। बघार का मैं आपको दिखाते बाद में, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं बेसन, ये हम दो कप की बना रहे हैं, अगर आप एक कप की बनाना चाहें तो इसमें कम कर दें चीज़ें। दो कप बेसन लिया है ये, अब इसमें जाएगी दही, इसमें जाएगी योगर्ट, ये देखिए एक, ये छोटा वाला पूरा चला जाएगा इसके अंदर, ये वाला, ये जो ये है इस साइज के समझे तीन आएंगे इसके अंदर कप। इसमें हम डालेंगे दो चमचे लाल मिर्चें, अगर एक कप के आप बनाएंगे तो फिर एक चम्मच डालिएगा, दो चमचे हल्दी डालना है, बल्कि 2½ हल्दी का डाल दिया, धनिया डालना है 2½ धनिए का, हल्दी, धनिया, मिर्चे, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, हस्ब ज़ायका डालें, हम इसमें डालेंगे 3 चमचे। फिर स्पून डालेंगे, टी स्पून के बराबर है ये, अच्छी चीज़ें चलेंगी। और इसमें डालेंगे हम ये 2 टेबल स्पून लहसुन है पिसा हुआ, डाल दिया 2 टेबल स्पून जो है अदरक है ये डाल दिया, कड़ी पत्ता जाएगा इसके अंदर, हरी मिर्ची जाएंगी, और एक अनियन है ये जाएगी। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि जब ये अनियन जो है गल जाएगी समझे तैयार हो गई कड़ी, 1 घंटा पकाएंगे हम कड़ी को। इन सब चीज़ों को डाल के इससे मिक्स करते हैं, हमने मिक्स कर लिया इसको सबको, अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये हम दही के 3 डब्बे डालेंगे, वैसे आप गिलास अगर डालना है आपको ये वाले डब्बे 3 डाल दें, और अगर गिलास डालना है तो इसमें 6 गिलास पानी जाएगा। अभी तो देखें ये सब डालते इससे ना, तो हम मिक्स करेंगे इसको, ये देखें ये को मिक्स कर लिया, एक अभी हमने डब्बा डाला है इसमें दही के पानी का ये वाला, आप गिलास से अगर डालना है तो इसमें कम से कम 6 गिलास डालिएगा, लेकिन हम इससे डाल रहे हैं, ये 3 डब्बे डाल देंगे हम इसमें दही के पानी के। तो ये देखें 2 डाले, ये 3 हो गए, ये वाले 4 डाल दें, और अगर आपको गिलास से डालना है तो 8 गिलास डाल दें, और इससे डालना है तो ये 4 डाल दें। ये जितने बड़े पतीले में खुलकर बनेगी तो अच्छा है। अच्छा, इसको हमने अभी 1 घंटे तक पकाना है, 15 मिनट तक मुस्तकिल हम इसको हिलाते रहेंगे, 15-20 मिनट तक, जब इसमें उबाल आ जाएगा उसको छोड़ देंगे और हम 1 घंटा इसको पकाएंगे। 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं, और इसमें अभी डाल रहे हैं हरा धनिया, ये देखिए, ये बस इसमें सब चीज़ें चली गई। अब ये कढ़ी को हम 15 मिनट तक ऐसे पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी पकौड़ों का सामान, डालना है पकौड़ों का, इसके अंदर जो पकौड़े बना के डालेंगे, ये भी हम 2 कप लेंगे बेसन, थोड़े सा और फालतू बना रहे हैं, बच जाएंगे तो हम वैसे खा लेंगे, और ये हमने बेसन जाएगा, अब इसमें मसाला जाएगा, ये देखिए अनियन जाएगी इसमें थोड़ी सी, तो अनियन काटिए हमने, थोड़ा सा धनिया, कुटी हुई मिर्ची जाएंगी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च जाएगी, 1 चम्मच धनिया जाएगा,
एक चम्मच हल्दी जाएगी, एक चम्मच नमक हंस पर जायका डालें आप नमक, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। ये सब चीज़ें मिक्स कर दें। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पानी डालकर इसमें पानी में डालते हैं और इसको मिक्स कर, बॉयल नहीं हुआ हिलाते जाएंगे जब तक उबाल नहीं आएगा। और इधर जो है ये हमने अपना तैयार कर लिया, इसको मिक्स कर लिया इसको। अब थोड़ी सी अनियन लिया हमने, ज़रा सी कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन लिया है, 8-10 लहसुन के जगह हैं, 8-10 हरी ये लाल मिर्चें हैं, हसबे जायका डालें जितना आपको बाजार पसंद है। और ये 1.5 चम्मच हमने 1.5 जीरे का लिया, 1 चम्मच राई लिए। तो ये देखें ये वाले साइज के हमने, ये वैसे 2 स्पून का एक है स्पून, तो ये हमने 2 लिए हैं और ये 1 से थोड़ा कम लिया है, 1 स्पून देखकर ये इतना लिया है बस, पूरा भर कर नहीं लिया हमने राई। अच्छा, और मेथी दाना 1 चुटकी, 1 पिंच मेथी दाना जाएगा, ये देखिए इतना। ये सब चीज़ें हो गई बघार की, देखें इनको रेडी कर रहे हैं। तो अब ये जब कड़ी बिल्कुल 1 घंटे बाद बघार देंगे इसको हम, पहले पकोड़े डालेंगे इसमें तलकर फिर ये डालेंगे, तो 1 घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। नाज़रीन हम अभी ये तेल गर्म हो रहा है, इसके अंदर हम डालते हैं हमारा बेसन, हमने घोल कर रखा है, पकौड़े बना रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम डालते हैं और ये जो है हमारी कड़ी देखे रेडी हो गई, 1 घंटा 4 मिनट पकी है ये गाढ़ी हो गई। और इसकी पहचान ये है कि आप कड़ी को जब पकाते हैं आप इसके अंदर देखेंगे प्याज गल गई है, समझे कड़ी तैयार हो गई। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं पकौड़े, डाल रहे हैं इसके अंदर, कड़ी हमारी रेडी हो गई है और पकौड़े सारे बनाकर इसमें डालते रहेंगे और फिर उसके बाद जो है बघार देंगे। ये देखिए कड़ी की बस पहचान यही है कि प्याज गल जाए तो समझे कड़ी तैयार है, दही की कड़ी। ये सारे हम इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए नाज़रीन हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं, हम इसको डालेंगे इसके अंदर कड़ी में। देखिए हमारे पकोड़े बन गए सारे, अब ये हम इसमें डाल रहे हैं पकौड़े, थोड़े से बचा देंगे ज़्यादा लग रहे हैं। ये पकोड़े डाल दिए इसके अंदर, इसको हिला देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं बघार, सबसे पहले ये देखिए बघार हमारा सारा रखा हुआ। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर 1.5 राई, क्वार्टर स्पून डालेंगे हम ये मेथी दाना, 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम जीरा, 1.5 जीरा, फिर डालेंगे लहसुन, फिर डालेंगे इसके अंदर साबुत मिर्च 8-10, फिर डालेंगे थोड़ी सी अनियन, इसको कैसे बता देंगे ये गुलाबी हो गए तो इसमें हम लगा देंगे और डालेंगे करी पत्ता। तो ये देखिए बघार हमारा रेडी हो गया, हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और डालेंगे, हमने पकते नहीं भी डाला था, थोड़ा सा और डालेंगे खूबसूरत लगेगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा हमने हरा धनिया और डाल दिया और अब हम इसमें डाल रहे हैं बघार ही रोटी। कड़ी हमारी तैयार हो गई, अब हम कर रहे हैं दिशा। तो देखिए नाज़रीन हमारी कड़ी रेडी हो गई है, दही की कड़ी। आप बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।